दादा भीष्म की दशा आप सब जानते ही हैं, बाणों की शैया पर लेटे हैं, शरीर में अंग अंग पर भैया बाण चुभे हैं, रक्त निकल रहा है, लेकिन ऐसी विकट विभत्स कारुणिक पीड़ादायक स्थिति में भी जो है उनके मुख से निरंतर गोविंद 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 ऐसा नाम निकल रहा है। भगवान जाके सामने खड़े हुए, ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श करती हुई वायु दादाजी के नाक पर पहुंची, उनको सुगंध आई, भगवान के कंठ में धारण की हुई तुलसी माला की नेत्र खोले, गोविंद तुम आ गए, मुझे पता था आप मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते, अब आप आए हो तो मेरे पे कृपा करो, एक चीज मुझे देके जाओ, एक मेरी इच्छा पूरी करो। अब ठाकुर जी सोच में पड़ गए, दादाजी कह रहे मेरी इच्छा पूरी करो, अब मैं क्या करूं? तो भैया दादाजी कह रहे मेरी इच्छा पूरी करो, अर्जुन ने कहा भगवान दादा की इच्छा पूरी करो ना, हाँ भर दो। ठाकुर जी कहते तेरे को कुछ जोर नहीं लगता, हाँ भर दो। अरे तेरा ये जो दादा है ना ये बड़ा उस्ताद है, अरे इसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अभी इसने कह दिया कि मैं न मरूं जब तक सामने खड़े रहो, और ये न मरे 2 साल, फिर मैं ऐसे सहज में हां नहीं भरूंगा। कृपानाथ, दादा भीष्म समझ गए ठाकुर जी मन में क्या सोच रहे हैं। दादा भीष्म ने कहा सरकार आपका कहीं कोई बंधन नहीं होगा, आप जरा कहें तो सही तो मैं कुछ मांगू। ठाकुर जी ने कहा हाँ फिर ठीक है, तो बोलो दादा क्या दूं भीष्म पितामह, आपको क्या चाहिए? भीष्म पितामह ने कहा मेरी बेटी से ब्याह करो। महाराज अर्जुन युधिष्ठिर जितने लोग खड़े थे सब हैरान, लो ये तो नैष्टिक ब्रह्मचारी कहे जाते, इनके बेटी कहां से आ गई, और आ भी गई तो मैं मरता मरता क्यों चौड़े करी, बूंदी कितनी लागी बता, लोग कहे कि लोहारी उम्र डोकरो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने हमें जान बेटी निकली, हंसी कितनी होगी। लेकिन मेरे भाई बहन हमारे दादा भी कम नहीं थे ना, दादा ने कहा ये तो मेरी संकेत भाषा है जो श्री कृष्ण समझते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी तो संकेत भाषा में बोलते हैं। सब चिंतित, लेकिन ये बेटी कौन बेटी कौन? तब हमारे दादाजी ने कहा और कोई नहीं, इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा, मेरी मति रूप बेटी को। ठाकुर जी ने कहा आपकी मति के साथ मैं ब्याह करूं? बोले हां, पर ध्यान दीजिएगा जो मति ठाकुर जी के साथ ब्याह करना चाहे वही सन्मति है भाई, और उसी में सम्मति है, बाकी तो सब दुर्गति है। इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते त्वचेद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषीय भवप्रवाह। दादा भीष्म कहते हैं हे प्रभो मेरी मति को आपके अलावा और कोई पसंद नहीं है, और उसका प्रमाण क्या है? इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा, आपको देखने के बाद मेरी मति ने कोई दूसरी इच्छा ही नहीं करी, आपको देखने के बाद में मेरी मति ने कोई दूसरी इच्छा नहीं करी, बस वो रात दिन क्या देखना चाहती है? त्रिभुवन कमनम कमाल वरणम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरलककुला वृताननाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु मे वद्या। आहा, 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 आहा।
ललित श्रम वार्य लंकृतास्ये मम निशित शरे विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा के वचन है भाई, भीष्म स्तुति के ये श्लोक है, बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं भाई। दादा कहते हैं, आपको देखने के बाद मेरी मति ने कोई दूसरी इच्छा करी नहीं, क्या करूं मैं। इसी से मुझे लगता है कि मेरी मति को आप पसंद हो, आप पसंद। कोई थाली में कोई व्यक्ति एक ही एक चीज बार बार लेता रहे, व्यंजन का नाम तो क्या बताऊं भाई, एक ही एक चीज का नाम वो बार बार, एक ही एक चीज बार बार लेता जाए, तो हमको लगता है कि इसका मतलब इनको यही पसंद है। हालांकि कभी चूक भी हो जाती। एक बार एक महात्मा जी कहीं भोजन करने गए कोई सेठ जी के यहां पर, तो घटी हुई घटना है, हो ऐसे कोई प्रसंग या विनोद प्रसंग नहीं है, एक महात्मा जी के साथ। तो एक कटोरी में रायता था और एक में आलू की सब्जी थी, तो भाई आलू की सब्जी में नमक बहुत ज्यादा पड़ गया, रायता एक नंबर था। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई पहले ये आलू की सब्जी खा लूं ताकि फिर आराम से रायता खाऊंगा। और महात्मा जी कटोरी लेके फटाफट आलू खाने लगे। गृह स्वामी ने सोचा कि लागे बाप जी ने आलू बाया, उसने और लाके परोस दिया। लो नहीं नहीं महाराज, महाराज ने कहा नहीं और नहीं चाहिए। महाराज जी उनको बताना नहीं चाहते थे भाई नमक ज्यादा है, संत का एक स्वभाव होता है, इसलिए वो ये युक्ति कर रहे थे। पर गृह स्वामी नहीं महाराज, अरे बहुत बने हैं आप लो, हाँ बहुत बने हैं, आप चिंता मत करो, पूरी थाली आलू के साग से भरती। खैर या तो ऐसे ही प्रसंग बस मुझे याद आ गया तो मैंने सुना दिया। पर भैया जैसे कोई व्यक्ति बार बार एक ही एक चीज, एक ही एक चीज लेवे, तो हमको लगता है इसकी रुचि उसी में है। तो इसलिए दादा भीष्म भी कहते हैं, आपको देखने के बाद मेरी मति ने और कोई दूसरी चीज मांगी ही नहीं। महाराज आपको देखने के बाद ना तो मेरी कौरवों के विजय में रुचि रही, ना पांडवों के विजय में रुचि रही, मेरा तो मन यही रहा कोई लड़ो कोई मरो, मेरे तो कन्हैया रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। इसलिए मुझे लगता है मेरी मति को आप पसंद हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, हमको ब्याह में तो हम कभी मना करते ही नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, दादा कहते हैं आपका रूप कितना प्यारा था। अभी तक दादा भीष्म ने अपनी प्रेमा भी व्यक्ति नहीं करी थी, ठाकुर जी को यह सब बताया नहीं था कि मैं आपसे कितना प्यार करता। बहुत लोगों को उतावली रहती है ये बताने की कि हम कितना प्यार करते हैं, हम कितना प्यार करते हैं, और फिर बता देते हैं, फिर बताने की बात जताते रहते हैं। बताओ है, हम इतना प्यार करते हैं कि सुबह से आपका इंतजार करते हुए रोटी नहीं खाई, और आप कह रहे हो कि हम तो खा के आए। लो बताओ है, लो बताओ है, हम तो ये कर रहे, लो बताओ ये फिर प्रेम नहीं रह जाता भाई, फिर ये थोपा थोपी हो जाती है। इसमें क्या आनंद है, थोपा थोपी में कोई आनंद है, प्रेम तो चीज ही अलग होती है भाई। दिल में रखा, दिल में रखा, किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने घोरे रे कोने, शामेर पीड़ित राखो मोने, किछु दिन मोने मोने, इशाराय कोई भी कोथा गोठे माठे, देखे जोने को ना जाने को ना बुझे को ना सुने,
किछु दिन मने मने किछु दिन मने मने घरे रे कोने शामेर पीरित राख को पोने किछु दिन मने मने बंगला भाषा का ये भैया भजन है भक्त चंडीदास जी का। वे कहते हैं किछु दिन मौने मौने मन में रखो घोरे कोने घर के कोने में श्यामेरे पीरित राग गोपो ने श्याम सुंदर के प्रीत को गोप्य रखो गोप्य रखो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भगवान गाय चराने जाए वहां पीछे जाओ, चाहे भगवान यमुना किनारे जाए वहां पीछे जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखे जो ने कोई ना बुझे कोई ना जाने कोई ना सोने, ना कोई पूछे ना कोई जाने ना कोई सुने, ऐसे ऐसा प्रेम हमारे दादा भीष्म ने किया है। अब आज जब लगा कि अब तो पंछी उड़ रहा है तो जाते जाते अपने प्रियतम को कह तो दूं कि आपने कितना मुझे धन्य किया है। और एक बात और मैं बताता हूं भाई, देखो मैं गलत भी हो सकता हूं। कई बार 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 की अभिव्यक्ति पे पुनः अभिव्यक्ति नहीं होती तो फिर वो नीरसता बनने लग जाती है। नहीं तो कम से कम जैसे संतरे में रस है तब तक वो सुरक्षित होता है, लेकिन निकालने के बाद अगर उसको बराबर समय पर न पिया जाए तो फिर वो उसमें कटुता आ जाती है। मौसमी का रस होता है ना, समय पर न पिए तो वो पड़े पड़े उसमें वो हो जाती है। तो हम लोग कहीं प्रेम प्रकट करो और वापिस वैसा ना हो तो फिर वो जो है भैया वो कटुता ही आ जाती है, वो उसमें कसेलापन आ जाता है। संबंध तो नहीं नष्ट होता है लेकिन सरसता तो चली जाती है भाई, सरसता चली जाती है। परस्परता हो तो अलग आनंद है भाई, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा सहज होता नहीं। खैर दादाजी ने आज भगवान को कहा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम ददाने, आहा प्यारे आपका त्रिभुवन सुंदर सांवरा सलोना शरीर श्रीअंग उस पर सूर्य की किरणों के जैसा पीतांबर और श्याम तमाल जैसा श्रीअंग कमल के जैसे मुख पर लहराती हुई अलकें, आहा हे अर्जुन के सखा मुझे तो बस आपके चरणों में निष्कपट प्रीति हो, ऐसा दादा भीष्म कहते हैं ठाकुर जी। दादाजी ने अपना भाव ठाकुर जी के आगे रखा और श्री ठाकुर जी का दर्शन करते करते पितामह भीष्म भगवत धाम को चले गए।